आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है अभिनंदन अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आरएस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक, आज का विषय है मिंजुमला घाटा, यानी मिंजुमला घाटा का भौतिक रूप से विभाजन। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 30(2) के अंतर्गत भूमि विधि यानी कि मिंजुमला घाटों का भौतिक रूप से विभाजन बंटवारा कैसे होता है और मिंजुमला घाटा कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मिंजुमला घाटा कहते किसे हैं। जब किसी घाटे में कई खाते बन जाते हैं तो उसे हम मिंजुमला घाटे कहते हैं। तो साथियों अब हम देखते हैं कि मिंजुमला घाटा कैसे बनते हैं। नंबर एक, अंतरण से। नंबर दो, आवंटन या पट्टा से। जैसे कि अंतरण से, मान लिया कोई घाटा है, ये मान लिया घाटा 25 है, इसमें दो भाई सह अंशधारी हैं, राम सिंह और श्याम सिंह। इनका घाटा एक 20 है और एक 25 है। श्याम सिंह ने क्या किया, 25 घाटा में अपने अंश में से 1/2, यानी कि 1/2, एक भाई का ये अंश हो गया, एक का ये हो गया। तो श्याम सिंह ने 1/2 अंश यानी 0.063 हेक्टेयर अनुराग के नाम बेच दिया। जब बेच दिया तो दाखिल खारिज इसका खतौनी फर्द में कालम नंबर 7-12 में अंकित हो गया। जब नई खतौनी बनी तो अनुराग ने जो अंश खरीदा था, क्रय किया था श्याम सिंह से, उसका एक खाता अलग बना दिया गया और यहां पे घाटा 25 का रकबा संशोधन करके 0.190 हेक्टेयर कर दिया गया और इस घाटे का नाम 25/1 रख दिया गया और जो अनुराग को अंश कट के आया है घाटा संख्या 25 से, उसका नाम घाटा संख्या 25/2 रकबा इतना कर दिया गया। इस प्रकार से ये घाटा मिंजुमला बन गया। अब दूसरा देखते हैं आवंटन या पट्टा से। मान लिया किसी गांव में एक घाटा है, मान लिया घाटा संख्या ये आपका 25 है, ये 4 बीघा का घाटा है। भूमि प्रबंधक समिति ने योजना के तहत इसका आवंटन कर दिया 4 व्यक्तियों के पक्ष में, ए बी सी डी। अब चारों लोगों के खाते अलग अलग बांध दिया। मान लिया कि ये खाता 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये आपके खाते हो गए। तो एक घाटे में कई खाते हो गए, तो इसलिए ये मिंजुमला नंबर हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ हमने इसको दर्शाया है, जैसे कि ए बी सी, ये 4 बीघा का पूरा नंबर है, यानी कि 1.012 हेक्टेयर का। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा 0.253 हेक्टेयर। इस प्रकार से ये घाटा मिंजुमला बन गया और इसको लिखने के तरीके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसको आप देख लीजिए, अगर पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिंजुमला घाटा को लिखा जाता है, जैसे कि हमने ये लिखकर बताया है। अब हम देखेंगे कि मिंजुमला घाटों की प्रारंभिक योजना यानी जो स्कीम तैयार करेगा लेखपाल, उसके संबंध में ये साथियों आरसी प्रपत्र 5 में एक स्कीम तैयार करेगा जिसमें उसकी घाटा संख्या लिखी जाएगी और उस घाटे संख्या का क्षेत्रफल लिखा जाएगा। फिर उसके बाद प्रत्येक मिंजुमले के खातेदार, जो भी उसमें खातेदार हैं उस घाटे में, मिंजुमला घाटे में, उनके नाम लिखे जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक खातेदार का या प्रत्येक व्यक्ति का कितना क्षेत्रफल है, कितना भूमि का एरिया है जो उसके नाम है, उसका अंश बनता है, वो लिखा जाएगा। फिर देखेंगे कालम नंबर 5 में क्षेत्रफल का भिन्न भिन्न रंगों में प्रस्तावित किया जाएगा, अलग अलग उसका एक
नक्शा तैयार किया जाएगा और उसको भिन्न भिन्न रंगों से कौन किसका है यह दर्शाया जाएगा। इस स्कीम को तैयार करते समय लेखपाल को इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा, जो उसका विभाजन करेंगे RI अथवा लेखपाल जो भी दोनों मिलकर करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि निम्न अथवा उच्च श्रेणी का आवंटन, किसी व्यक्ति को निम्न श्रेणी का पूरा आवंटन न हो जाए या किसी व्यक्ति को उच्च श्रेणी की भूमि का पूरा आवंटन न हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। सभी को बराबर निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी को शामिल करते हुए आवंटन करेगा। उसके बाद नंबर दो में देखते हैं अलग अलग कब्जे के अनुसार, यदि खातेदार या सह खातेदार उसमें अलग अलग कब्जे के अनुसार काबिज हैं तो उनको अलग अलग हिस्सा दिया जाएगा। फिर कलम नंबर तीन में देखते हैं सिंचाई का वैयक्तिक स्रोत, यदि कोई व्यक्ति अपने उस नंबर पे जहां उसका कब्जा है वहां सिंचाई का साधन बना रखा है या अन्य कोई साधन बना रखा है तो उसको उसी जगह पे कब्जा दिया जाएगा, उसको अपने सिंचाई के साधन या अन्य सुधार संसाधनों से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं नंबर चार वाणिज्यिक सड़क आबादी, यदि उस घाटे जो मिंजुबला घाटा है उसके अगल बगल कहीं सड़क है आबादी है या वाणिज्यिक क्षेत्र है तो उसको ध्यान में रखते हुए, और यदि बंटवारा संभव नहीं है सबको दिया जाना संभव नहीं है तो उसके अनुपात में अनुपात के अनुसार उसका बंटवारा किया जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं नंबर पाँच में नक्शा तैयार करना, लेखपाल नक्शा तैयार करेगा और नक्शा तैयार करके उस भूचित्र पर उसको रखकर उसका जो है मिलान करेगा और पूरी तरह से नक्शे को उसी की भांति जैसे कि नक्शा दर्ज है नक्शे में या मैप में उसी के अनुसार उसको बनाकर तैयार करेगा। नंबर छः पक्षों को नोटिस, जो भी पक्षकार हैं उनको नोटिस दी जाएगी और यदि कोई पक्षकार ऑब्जेक्शन करता है तो उस आपत्ति का निस्तारण कानूनगो और लेखपाल आपसी समझौते पर करने का प्रयास करेंगे। यदि समझौता हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसी आपत्ति के आधार पर जिला अधिकारी यानी DM उसकी सुनवाई करेंगे और सुनवाई करके उसका निस्तारण करते हुए फिर मानचित्र खतौनी खसरा की पुष्टि उसकी स्कीम के अनुसार जो विभाजन किया गया है उसकी पुष्टि कर देंगे और खसरा खतौनी और नक्शे में उसका संशोधन करेंगे। तो साथियों आज हमने देखा उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 3-2 भूमि विधि के अंतर्गत मिंजुमला घाटों का भौतिक रूप से विभाजन बंटवारा, मिंजुमला घाटा कैसे बनते हैं, मिंजुमला घाटा किसे कहते हैं और उसके विभाजन की क्या स्कीम होती है इसके संबंध में जानना, तो हमें साथियों पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि मिंजुमला घाटे का विभाजन कैसे होता है, किसे कहते हैं और कैसे बनते हैं। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।